शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, उसकी कब्र हमने महाराष्ट्र में खोद दी और उसे यहीं गाड़ दिया। ये दोनों भी औरंगजेब जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र की धरती में गाड़ने की धमकी दी। दरअसल अहमदनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए संजय राउत ने ये विवादित बयान दिया। संजय राउत ने अपने संबोधन में कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ और औरंगजेब का जन्म गुजरात में। इसका इतिहास है, आप देख लीजिए इसका इतिहास। हे का होता है माहिती आहे का तुम्हाला? इतिहासात जायला पाहिजे थोडं। मुंबईवर महाराष्ट्रावर हे दोन व्यापारी गुजराती हल्ला का करतायत सातत्यानं? इतिहास काळामध्ये असे प्रकारचे महाराष्ट्रावर हल्ले मोगलांचे होत होते, आपल्याला माहीत असेल, इतिहास आपण पाहतो। औरंगजेबाचा हल्ला व्हायचा, अफजलखानाचे व्हायचे, निजामाचे, हे मोगलांचे हल्ले आपल्याकडे व्हायचे। औरंगजेब 27 वर्ष महाराष्ट्रात लढत राहिला, याचं कारण असं आहे। जर तुम्ही इतिहासात गेलात, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म या महाराष्ट्रात झाला। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला म्हणून महाराष्ट्राला इतिहास आहे। आणि हा जो औरंगजेब आहे त्याचा जन्म गुजरातमध्ये झालाय, पहा इतिहास। त्याच्यामुळे ती माती जी आहे ती औरंगजेबाची माती आहे, आणि त्या मातीतले हे दोन व्यापारी। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही गाडलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता, आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कोण है, तू कोण है? हा मराठ्यांचा इतिहास आहे, मराठी माणसाचा इतिहास आहे। तुम्ही जेवढे आमच्या अंगावर आहे तेवढे आम्ही उसळून उठू आणि या महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाच्या रक्षणासाठी लढत राहू। आणि आता 4 जून ही तुमची डेडलाईन आहे। 4 जून नंतर हा देश मोदीला विसरलेला असेल, लक्षात घ्या। या देशामध्ये नवा इतिहास लिहिला जाईल 4 जून नंतर। हुकुमशाहीचा अंत 4 जूनला आपण करतो आहोत। आपण मगाशी संविधानावर बोललात, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महाराष्ट्राचे सुपुत्र, ज्याने या देशाला एक मजबूत संविधान दिलं, राज्यघटना दिली, जी राज्यघटना जगाने मान्य केली, इतकी मुद्देसूद सुंदर राज्यघटना ही जगात कुठेच नाही, अशा प्रकारची राज्यघटना संविधान आम्हाला दिलं। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी तू कौन है, ये मराठाओं का इतिहास है, ये मराठी का इतिहास है। आप अगर हमारे अंग पर आए तो हम जल उठेंगे, हम सब महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहेंगे। आपको बता दें, ठीक इसी तरीके का बयान बीते दिनों संजय राउत ने बुलढाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया था। उन्होंने यहां कहा था कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, वहीं नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात में हुआ था। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।